स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मेनियक में। SSC ने फेस 11 का नोटिफिकेशन निकाला है और इस बार वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। 5000 प्लस वैकेंसी है और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नोटिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना के चैनल पे हम डाल चुके हैं। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये आपको केवल सिलेबस की जानकारी देने के लिए बना रहे हैं। जो फेस 11 का जो एग्जाम होगा वो 10th लेवल पे होगा, 12th लेवल पे होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में वो जो मैट्रिकुलेशन लेवल यानी 10th लेवल का जो सिलेबस है उस पे डिस्कस करने वाले। तो जो 10th लेवल पे जो बच्चे जो एस्पिरेंट है जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको चार सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। एक है जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा और वर्बल रीजनिंग रहेगा, जिसमें आपको सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, मेमोरी बेस्ड विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट यानी ब्लड रिलेशन पे आपको एरिथमेटिकल नंबर सीरीज आएगी और नॉन वर्बल सीरीज आएगी। तो इस टाइप से बहुत इजी रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है सभी बहुत इजी आने वाले हैं और ये बहुत अच्छे स्कोरिंग रहेगा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस पे अच्छी प्रैक्टिस करिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको स्कोर करने में। बहुत इजी टॉपिक है इसके, वीडियो में आपको दिख रहा है ये टॉपिक आपको कवर करना है। फिर उसके बाद आपका सेकंड आएगा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको अपडेट रहना है करंट अफेयर से, ठीक है। करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आते ही है और उसके बाद फिर जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपका जनरल अवेयरनेस में आपके आएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और ये इतना पोर्शन थोड़ा कवर करना टफ होता है कम टाइम में, लेकिन फिर भी आपको करंट अफेयर तो करना ही है क्योंकि वो 3 से 4 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। और बाकियों को भी आपको, आप इसको सब्जेक्ट वाइज पूरा डिटेल में पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जनरल अवेयरनेस को SSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा गया है आप वो जरूर लगाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर तीसरा आपका सब्जेक्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको कुछ टॉपिक एडवांस मैथ्स के मिलेंगे और कुछ आपको एरिथमेटिक के मिलेंगे। तो एरिथमेटिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, और फिर आपको DI पढ़ना है। और एडवांस में आपको क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन ही है। इसमें 10th बेस में आपको ना ज्योमेट्री पढ़ना है, ना आपको अलजेब्रा पढ़ना है, ना ही आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो आपको क्या क्या आएगा, मेंसुरेशन आएगा केवल एडवांस से, और टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, और टाइम एंड वर्क। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजीली ये 6 महीने में बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। बस आप, बहुत ही कम टॉपिक है और इजी टॉपिक है, आप इनको बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं अगर अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे तो। और आपका फिर 4th सब्जेक्ट आपका रहेगा इंग्लिश, जिसमें आपको बिल्कुल आपकी जो बेसिक ग्रामर है वो चेक की जाएगी और आपके वोकैब पे कितने कमांड है, और इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और यही सब आएगा। इसमें आपको पैसेज वगैरह नहीं आएगा और आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट की जाएगी। तो देखो 10th लेवल का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आपका 12th और ग्रेजुएशन। तो जितने भी 10th लेवल पे जो भरने वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये जो सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है आप ये टॉपिक को नोट कर लीजिए और इनके प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 5000 प्लस वैकेंसी है, जो कि अभी इसके पहले इतनी वैकेंसी है फेस 11 में तो नहीं आई है। तो इस बार आप अच्छे से मेहनत करिए और कोई भी डाउट होता है, किसी भी टाइप का डाउट हो, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, चाहे SSC, CGL, CHSL, MTS, SSC से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको सही और सटीक आंसर दे पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। Every single day.